Okay, good morning class. So today we are going to start a new chapter, lesson number 2, our constitution. That is there in your textbook, page number 35. Okay, so on August 15, 1947, our India became a free country. मतलब जो August 15, 1947 है उस ईयर में इंडिया एक फ्री कंट्री, उन्हें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी. और हर फ्री कंट्री, एवरी फ्री कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, और हर फ्री कंट्री का अपना एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर उस कंट्री को रूल करने में, गवर्न करने के लिए वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स, तो उस इंडिपेंडेंट कंट्री को वर्क करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन है उसके हिसाब से ही सब चीज़ वर्क होगी. वो उस सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, लिखा गया है और लिखने वाले वो लीडर्स हैं जिन्हें इंडियन सिटीजन्स ने ही वोट कर कर लीडर बनाया. They formed a constitutional assembly that prepared the constitution. उन्होंने constitutional assembly जिसमें group of people ने still बैठकर set of rules बनाए हैं उस उन्होंने form किया है constitution. The constitutional assembly decided भी उन लोगों ने constitution बनाया. The constitution of India came into force on 26 January 1950. और इस कॉन्स्टिट्यूशन को केम टू फोर्स मतलब वो जब अप्लाई होने लगा वो हुआ January 26, 1950. और उस दिन को हम रिपब्लिक डे की तरह आज भी हर साल मनाते हैं, January 26. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एडेड डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट था. उसका जो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं, जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एम के बारे में और साथ ही साथ जो मेन आइडिया है, किस आइडियोलॉजी के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसके बारे में इन्फॉर्म करता है. वो है प्रीएम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस क्लियरली दैट इंडिया इज अ सर्विलेंस सोशलिस्ट सिक्योर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. मतलब सर्वेलेंस मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन है हमारा कंट्री, एक सोशलिस्ट नेशन है, एक सिक्योर नेशन है, सिक्योर में सेक्युलर, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक नेशन है. ये सारे टर्म्स क्या हैं इज डिफाइंड अर्लियर इन द लेसन. ओके, तो फर्स्ट वन है सर्वेलेंस, मतलब हमारा जो कंट्री है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है. सो सर्वेलेंस का मीनिंग है इंडिपेंडेंट, इंडिया इज नॉट बीइंग रूल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री. मतलब हमारी जो कंट्री इंडिया है उसे गवर्न करने के लिए हमें कोई और कंट्री की हेल्प नहीं चाहिए, हमारी कंट्री को खुद हमारी गवर्नमेंट रूल करती है. द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय ओन गवर्नमेंट, हमारे जो कंट्री के लोग हैं, इंडियन सिटीजन है, वो खुद ही अपोर्ट कर कर अपनी गवर्नमेंट सरकार बनाती है, राइट. दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट मेक लॉज टू रन द कंट्री, और उस गवर्नमेंट से हमारे सिटीजन्स ने हमें वोट करके लीडर्स बनाए हैं, वही गवर्नमेंट को चलाने के लिए रूल्स, कंट्री को चलाने के लिए रूल्स फॉर्म करती है. तो सर्वेलेंस मीन्स इंडिपेंडेंट, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन. सोशलिस्ट, व्हेन द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड लेटर टू द प्रीएम्बल, सोशलिस्ट वर्ड जो है वो प्रीएम्बल में बाद में ऐड हुआ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये वर्ड बाद में ऐड हुआ. इट मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अमॉन्ग द पीपल, मतलब हर एक सिटीजन, हर एक लोगों के बीच में एक इक्वालिटी, बराबरी, इकोनॉमिक हो या सोशल सोसाइटी बेस्ड हो, वो इक्वालिटी जो दर्जा है वो सबको दिया जाएगा, एवरी इंडियन सिटीजन. तो फर्स्ट हमने देखा था सर्वेलेंस, यानी इंडिपेंडेंट नेशन है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब हर एक इंडियन सिटीजन को इक्वल राइट्स प्रोवाइडेड होंगे, चाहे वो सोशलिस्ट हो या सोशल हो या इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो. ओके,
added later to the preamble. मतलब जो प्रीएम्बल जो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बाद में ऐड ऑन किए गए थे सोशलिस्ट और सेक्युलर. इट मींस दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रीच प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस. मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन पे राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस मान सकता है प्रैक्टिस कर सकता है प्रीच करना मतलब दूसरे समझाना चाहता हो सिखाना चाहता हो सिखा सकता है और प्रपोगेट करना मतलब ये सही रास्ता है ऐसा सबको स्प्रेड कर सकता है सिखा सकता है. तो मतलब कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का राइट इंडिया में इंडियन सिटीजन्स को है. इट इज नॉट नेसेसरी कि इफ यू आर एन इंडियन यू हैव टू फॉलो दिस और दैट रिलीजन. आपकी मर्जी से आप अपनी चॉइस से यू कैन फॉलो अ रिलीजन. वो है सेकुलर नेशन. So India has a socialist and secular nation. Now the fourth one is democratic. So India is a democratic country. India is a democratic country. The people of India elect their representatives. मतलब India के जो लोग हैं जो citizens हैं वो अपने representatives अपने leaders खुद elect करते हैं मतलब खुद vote cast करती हैं और उस vote के behalf पर हम हमारा नेता यानी रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं. सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विज 18 ईयर्स ऑफ एज हैज अ राइट टू वोट. जो इंडियन सिटीजन है वो अगर 18 ईयर्स से उससे बड़े हैं तो दे हैव द राइट टू वोट. वोट करने का हक रखते हैं मतलब राइट राइट मतलब अधिकार. नेक्स्ट वन इज रिपब्लिक. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है where the head of the state is elected by the common people. The state का head है जो state को चलाने के लिए rules form करे और state का head उसे कौन choose करता है Indian people and is not a king or queen. कोई राजा या रानी नहीं होती. Head of the state is elected by the common people. तो India एक socialist secular डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है. ठीक अब हम इसमें राइट्स की बात की गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अस मैनी राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के अकॉर्डिंग वी हैव मैनी राइट्स. देर आर सर्टेन राइट्स विच आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. उन सारे राइट्स उन सारे हक के अलावा वी हैव सम फंडामेंटल राइट्स. ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ. मतलब जो नियम है कानून है लॉ है उसके नज़र में सब इक्वल है. चाहे एक पर्सन अगर मैंने कोई क्राइम किया और वो सेम क्राइम कोई रिचेस्ट पर्सन इंडिया करे तो दोनों को पनिशमेंट कैसी होगी सेम. मतलब लॉ की नज़र में बोथ द पीपल आर सेम मतलब ऑल इंडियन सिटीजन आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. And all citizens have the right to equality, liberty, justice and fraternity. तो ये terms क्या हैं? Equality क्या है? Liberty, justice and fraternity क्या है? Terms हम अभी discuss करेंगे. So the first one is equality. So it means equal opportunity for all the people. Equality का meaning है कि हर एक Indian citizen को बराबर की opportunities दी जाए. Equal opportunity to all the people of India. No one is differentiated on the basis of caste, race, religion or gender. मतलब किसी को भी हम भेदभाव नहीं कर सकते. Discrimination या differentiate करना मतलब भेदभाव करना. तो वो caste के बेस पर मतलब किस caste का है पिछली जाति जाति या race हो या फिर religion या हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हो या फिर boy girl का difference किसी भी चीज़ से हम भेदभाव differentiate करना different अलग रखना ये नहीं हो सकता. इक्वालिटी मतलब इंडियन सिटीजन है तो मीन दे आर इक्वल इन द एवरी सेंस. सबको अपॉर्चुनिटीज बराबरी की मिली. लिबर्टी इट प्रॉमिसेस एवरी सिटीजन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एजुकेशन रिलीजन इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशन. लिबर्टी का मतलब है कि आपको जो बोलना है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का हक है. आपको जो फील करो उसे एक्सप्रेस करने का हक है. हर एक स्टूडेंट को एजुकेट
एजुकेशन, हर एक सिटीजन को एजुकेशन का राइट है. रिलीजियस इंडिपेंडेंस हमने पहले भी देखा था दैट इफ यू वांट टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन देन यू हैव द राइट टू डू दैट. अब प्रोफेशन मतलब टीचिंग में जाओ, एक्टर बनना है या इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल फील्ड में जाना है, इट इज अपॉन यू. सो लिबर्टी मीन्स यू हैव द राइट टू चूज योर ओन रिलीजन, यू हैव द राइट टू चूज योर ओन प्रोफेशन, यू हैव द राइट टू गेट एजुकेशन एंड यू हैव द फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एट द सेम टाइम द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, so the third one is justice. It means fair judgment in the field of politics, society and economy. मतलब चाहे political factors से हो, society में हो या फिर economical factors से हो, judgment जो होगी वो justice जो होगा वो equal होगा. Fraternity, brotherhood among people makes a country strong and united. मतलब एक दूसरे अगर Indian citizen सब एक दूसरे से अच्छे से ब्रदरहुड वाले फील जो भाईचारा हम निर्भर है वो उस फीलिंग के साथ रहेंगे तो ही हमारी जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है वो यूनाइटेड और स्ट्रांग बनेगा. अगर हर कोई अलग अलग तरीके से सोचेगा तो दैट वोंट बी एनी यूनिटी. यूनिटी मीन्स कि हम एक साथ एक दूसरे को इक्वल राइट्स देकर अच्छे ब्रदरहुड फीलिंग के साथ ओके दैट्स इट. मेरे वैसे बहुत छोटा था, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं और आपको एक आइडिया मिला होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में. सो दिस इज द राइट्स दैट वी ऑल हैव एज एन इंडियन सिटीजन एंड जो हमारे प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसमें जो टर्म्स है हमारे एम हमारे लक्ष्य के बारे में वो दैट ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. So I hope you got an idea. That's it about the lesson. Okay, this is the filling the blanks that is given in your book page number 236. Every free country has a dash. So जो भी एक independent free country होती है वो उसके पास उसका अपना constitution होता है. सो इंडिया इज़ अ डैश रिपब्लिक, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. मतलब अपना लीडर चूज करने का राइट, वो किससे गवर्न होना चाहती, वो राइट किसके पास है, इंडियन सिटीजन के पास. कोई ऐसा नहीं कि राजा या रानी होंगे हमारे हेड, इट इज़ नॉट लाइक दैट. द पर्सन हु इज़ अबाव 18 और 18 ईयर्स कैन कास्ट देयर वोट एंड देयर एवरी वोट काउंट्स. Okay, this is the meanings given here on page number 237. Govern, govern karna matlab to rule, matlab rule karna kisi ko. Representatives, the person chosen to act for another person or group. Matlab ek particular group hai. Ab wo group pura hi agar meetings mein har jagah jaye to that won't be convenient, like वो अच्छे से work नहीं करेगा. तो एक group को या किसी person को represent करना मतलब हम एक person को choose करते हैं, वो उस group के लिए अपनी बात आगे रखेगा. जैसे class में teacher आपसे कुछ पूछे तो पूरी class बोले उससे अच्छा class की सबकी problem आपके monitors हैं representatives से बोलो, वो आपकी class teacher से discuss करे, वो better होगा, right? So ऐसे ही representatives गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं जो उस ग्रुप को प्रतिनिधित्व करना मतलब रिप्रेजेंट करता है. प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन. सॉवरेंस मतलब इंडिपेंडेंट, और इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है. फेटर्निटी मतलब फ्रेंडशिप या ब्रदरहुड, जो हम हिंदी में बोलते हैं भाईचारा, अच्छे से प्यार से रहना, वो सब फेटर्निटी के अंडर आता है. सो दैट्स इट अबाउट द मीनिंग्स. ओके, नाउ एमसीक्यूज. ऑन 15th August - इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री. सो ऑन 15th August 1947 इंडिया एक फ्री कंट्री बनी थी. द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26 January 1950. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टू डिस्क्राइब इंडिया? इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए डेमोक्रेसी, सवेरियंस, ये सब उसका पार्ट है, पर पूरा क्या है? सवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सब इंडिया को डिस्क्राइब करता है। ओके, हु कैन कास्ट वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन? इलेक्शन के टाइम कौन वोट कर सकता है? सो जो भी इंडियन सिटीजन 18 ईयर्स का या उससे ज़्यादा की एज का हो, वो वोट कर सकते हैं। दे कैन कास्ट द वोट। सो बी एन इंडियन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव कैन कास्ट वोट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। नाउ नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, मीन्स यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट और वो ट्रू है या फॉल्स बताना है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने अभी एमसीक्यू में देखा था। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर आर एडेड लेटर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। येस, जो सेक्युलरिज्म है और जो सोशलिस्ट है, वो दोनों फैक्टर्स हमारे प्रीएम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड ऑन हुआ था, बाद में ऐड किया था। थर्ड, जस्टिस मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एजुकेशन। नो, जस्टिस मीन्स कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग, कोई भी सोशल स्टेटस से हो, पर जब जस्टिस होगा, जब आपने कुछ गलत किया और आपको उसके लिए कुछ पनिशमेंट होगी या आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो जो आपके साथ सही होगा वो सब इक्वल होगा, वो होता है जस्टिस। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब वो आपको दूसरे हक है, दूसरे राइट्स हैं आपके, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एजुकेशन है, वो सब आपके दूसरे राइट्स है, राइट राइट वो लिबर्टी वाला जो राइट था उसके अंडर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एजुकेशन और वो सब। और जो जस्टिस है वो दूसरा है, जस्टिफिकेशन वाला, मतलब फेयर जजमेंट प्रोवाइडेड होगी। सो द थर्ड वन इज फॉल्स। द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेरिडिटरी। फॉल्स, इंडिया में कोई भी पोस्ट हेरिडिटरी से, मतलब आपके पेरेंट्स से या पेरेंट के पेरेंट के थ्रू नहीं आती, यू हैव टू अर्न इट। सो द फोर्थ वन इज ऑल्सो फॉल्स। फिफ्थ, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ट्रू, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमारे प्रीएम्बल में एक टर्म था सोवेरेंस, जो जिसका मतलब है इंडिपेंडेंट। तो इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ट्रू। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ इज ट्रू एंड द रिमेनिंग टू, थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स। सो दैट्स इट। आई विल सेंड द PDF इन द ग्रुप, मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन इन योर SS नोटबुक। ओके, थैंक यू।